स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर शामली से है, जहां पर कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहले ही चक्का जाम की चेतावनी दी थी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन पर उपेक्षा बरतने का आरोप लगाया है। अभी बात करेंगे अधिकारियों से, यह चक्का जाम पे अधिकारी बताएंगे। इन्होंने ही कहा कि जी 2 घंटे लेट कर लियो, हम बात करेंगे। इन्होंने 2 घंटे लेट कर लिया, अब जो भी बताना यहाँ के अधिकारी मिल वाले बताएंगे, सलाह करेंगे। वो भी बैठ कर चलता ही रहेगा, अभी बात कर लेंगे, एक बार सलाह कर लेंगे। आज रहेंगे, हम रहेंगे आज बार, तब इन्हें देखेंगे कौन क्या क्या हरकत कर रहा है। पैसे नहीं देना चाहते। शामली में लगातार कलेक्ट्रेट में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज शामली के जो है पानीपत घाटी का मार्ग को जाम कर दिया है, जिसके बाद आज यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो है यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहां पर एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें आज इस पंचायत में पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हमारे साथ है। उनसे जानकारी कर लेते हैं कि आज उन्होंने जो पंचायत रखी है उस पंचायत को लेकर किस तरह की मांगे हैं। आज पंचायत रखी गई है, किस तरह की मांगे हैं? अरे हमारा पैसा है गन्ने का, जमीन अधिग्रहण के मामले हैं, ये सारे मामले हैं, बिजली के मुकदमे हैं, बिजली ने भुगतान है नहीं, बिजली को पैसे कहाँ से देते, प्रदेश को सूखा कर घोषित करे, ये सारी डिमांड हमारी। लगातार आज यहाँ पर जो है पंचायत की जा रही है और चक्का जाम भी किया गया है, पूरे रोड को जाम किया गया है, और इसको लेकर और किस तरह की और क्या मांगे हैं भुगतान के साथ? बहुत सी समस्या है भाई, भुगतान का बड़ा इशू है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, वो एक बड़ा इशू है। हमारे साथ में थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका कहना है कि आज उनकी आवकार की लड़ाई है और उनके 550 करोड़ से भी ज्यादा जो गन्ना भुगतान है वो अभी तक जो है सरकार पर बकाया है, जिसको लेकर उन्होंने अपने गन्ने भुगतान को लेकर मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अभी आर पार की है और अगर इस तरह की हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये जो है लड़ाई लगातार जारी रहेगी। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, के न्यूज इंडिया, शामली।